अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे। BUTV की यही कोशिश है कि जो गेस्ट हमारे पास आए, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द शो, आप ज़रूर उनसे कुछ सीखें और इंटरटेन भी हों, एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप उनसे कुछ गेन भी कर सकें। इसी सिलसिले में बहरिया यूनिवर्सिटी के एक और नाम शाहिद मुस्तफ़ा हक साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल हैं वो बेसिकली, और उन्होंने MBA किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। ही वॉज ऑल्सो हायर्ड एज द डायरेक्टर जर्नल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट, के वो सेटअप करें मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को इन पाकिस्तान। PTCL से भी वो एसोसिएटेड रहे हैं और आजकल वो बहरिया यूनिवर्सिटी में LDC जो कि लीडरशिप डिवेलपमेंट सेंटर है, उसमें वो अपना जो एज अ डायरेक्टर वहाँ पर वो अपने जो सर्विसेज है वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो सेंटर है ये रिसेंटली बहरिया यूनिवर्सिटी में ओपन हुआ, 8 से 9 मंथ्स को हुए हैं, तो इस बारे में हम उनसे बात करेंगे, उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और एक बहुत इंटरटेनिंग शो जो है हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, गुड एज यूजुअल। कैसे खुश हैं अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल के ऊपर बैठ करके? क्या फीलिंग्स हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि बहरिया यूनिवर्सिटी में लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ आई एम प्राउड टू बी ए बहरियन, पहली बात। और दूसरा, ज़बरदस्त आप लोगों ने जो काम किया, ये टीवी शो जो शुरू किया है, इसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं खुश इस बात पे हूँ कि एक तो अच्छा काम शुरू हुआ, लेकिन ज़्यादा खुश इस बात पर हूँ कि हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों ने अभी तक इस मीडियम को एजुकेशन में नहीं इस्तेमाल किया। और आप क्या समझते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि इस तरह का मीडियम, क्योंकि ऑब्वियसली टीवी अब हर कोई देखता है, गरीब से गरीब बंदा होगा टीवी उसके घर में ज़रूर होगा। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी की पब्लिसिटी के लिए, या अगर वो अपने प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाना चाहती है, कितना इम्पोर्टेंट है टेलीविजन होना और फिर मॉर्निंग शो भी होना? ये बिल्कुल आप ऐसी बात करें जैसे आप पुराने ज़माने में किसी से कहें जी कि टीवी कितना ज़रूरी है किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए, आजकल तो ये सवाल बिल्कुल आम सा हो गया, इररिलेवेंट हो गया। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए कि आजकल लोग मीडिया के बगैर तो रह नहीं सकते, और मीडिया सिर्फ टीवी नहीं है, हम टीवी ट्रांसमिशन जो करते हैं देखी तो बहुत चीज़ों पर जाती है, आजकल तो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं, तो टीवी इज़ ओनली द मीडियम। और इतनी ज़्यादा रिसेप्शन के आपके पास ज़राए हो गए हैं कि टीवी की तो आप खुद भी टीवी देखते हैं क्या? पोलिटिकल शोज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, सब देखता हूँ, फिल्में देखते हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज कम देखता हूँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है आपको? पॉलिटिक्स में मैक्रो हद तक है, माइक्रो हद तक नहीं है। अच्छा, किसी को बिल्कुल जो बिल्कुल वो जान निछावर करने वाले जो कारकुन होते हैं, किसी पार्टी के नहीं है आप? जी मैं पब्लिकली बोलूंगा नहीं, लेकिन हैं आप? जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान के बारे में जब इंसान कुछ गम रखता है, कुछ सोच रखता है, तो उन्हीं के बारे में सोचेगा जो पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं। अच्छा अच्छा, कि पाकिस्तान हो या इंस्टीट्यूशन हो, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं तो आप इंस्टीट्यूशन की भलाई चाहेंगे, अगर नहीं भलाई चाहते तो छोड़ के चले जाएंगे। बैठ के रोने से कोई काम नहीं होता, रोते रहेंगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमारा एक साथी था, बड़ी अच्छी बात करता था, कहता यार पाकिस्तानी हम जितना हम लोग रोते हैं उसका 10% टाइम उसके बारे में अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो ये मुल्क बदल सकता है। सही बात है। तो यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है, बैठ के या तो रो लो यूनिवर्सिटी में, ये नहीं होता वो नहीं होता, या कुछ कर लो। अच्छा मुझे बताएं कि पहले हम जरा इंडस्ट्री, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल हैं तो हम पहले इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, फिर हम जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में या किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, इंडस्ट्रीज होना या इस प्रोफेशन में होना बड़ा सेफ समझा जाता है कि एक दफ़ा आपने इन्वेस्ट कर लिया बस सारी ज़िंदगी फिर वो प्रोडक्शन करती रहेगी और आपका काम चलता रहेगा। आपका किस तरह से ख्याल हुआ इस तरफ? आपने कोई बिजनेस को, आपने MBBA किया हुआ, बिजनेस को आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इसको क्यों एज अ करियर आपने परसू किया? इंडस्ट्री को या टीचिंग? इंडस्ट्री को, फिर हम टीचिंग पे और इस पे दोबारा बात करेंगे। मैं जिस जमाने का आदमी, उस जमाने में जो नौकरी करना बड़ी जरूरी थी, इतना अम्मा अब्बा कहते हैं नौकरी करना, आजकल जरूरी नहीं है, आजकल तो लोग घर बैठे इतने मजे मजे के काम करते हैं और उसके मीडियम्स भी अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन ये कर दिया, रिमोटली बैठ के ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट बैठा हुआ है, करने वाला पाकिस्तान में है, उसकी सर्विस सेल करें अमेरिका में, तो ये हो गया। उस ज़माने में नहीं था तो इसलिए नौकरी शुरू की। आजकल के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि यार उस सिर्फ नौकरी को करियर नहीं देखो, दुनिया में बड़े ऑप्शन है करने के,
اور بچوں سے زیادہ میں والدین کو یہ کہتا ہوں کہ یار بچوں کو تھوڑی ڈھیل دے دو, کر لینے دو, تین چار سال کر لینے دو, کچھ غلطی ہو جائے گی ہو جانے دو. لیکن جب تک بچوں کو روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ نہیں ہے, مطلب ابا کے گھر میں رہتے ہیں اور ایشو نہیں ہے کھانے پینے کا, دے شوڈ ٹرائی سم تھنگ ڈفرنٹ, ٹرائی سم تھنگ آف دیئر اون, برانچ آؤٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس, ایٹ لیسٹ یو ول ڈسکور یور سیلف. اور میں نے کوئی 30 سال سے زیادہ نوکری کی ہے پڑھائی میں آنے سے پہلے, اور کبھی کبھی اف آئی لک بیک میں سوچتا ہوں کہ یار یہ شاید اس میں میرے اگر ہمت ہوتی ہے تو کچھ اور کر لیتا, نہیں ہمت تھی, یہ فیملی سرکمسٹانس ہوتے ہیں اس قسم کے. انڈسٹری میں انڈسٹری لیکن آپ کو سکھاتی بہت کچھ, اور الحمدللہ میں نے اچھی کمپنی میں کام کیا, اور ایک جو آپ کو ورک ایتھک سکھاتی ہے نا, جو ٹپیکل پاکستان میں پبلک سیکٹر جاب نہیں سکھاتے آپ کو, کہ آپ کام کرو دھڑلے سے کرو, غلطی ہوگی, غلطی کے بغیر سیکھو گے نہیں, اور 100 کام کرو گے تو 10-15-20 میں غلطی ہوگی, کوئی بات نہیں. ایشو ہمارے یہ پبلک سیکٹر میں کہ ہم کہتے ہیں کہ غلطی نہ کرو, اور اس سے لوگ کام کرنے سے ڈرتے ہیں. میں انڈسٹری میں اس لیے گیا کہ اٹ گیو می گڈ آپشن, گڈ منی, گڈ ٹریننگ, آئی گاٹ ٹو سی دا ورلڈ, آئی گاٹ ٹو سی ڈفرنٹ پیپل, نیشنلٹیز کے ساتھ ملا, نیشنلٹی کے ساتھ کام کیا, اور وہی چیزیں میں اپنی ٹیچنگ میں لے کے آتا ہوں. اچھا, اور پیرنٹس کا کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہیں تھا کہ نہیں بیٹا اس میں نہیں جانا, یا ڈاکٹر بن جاؤ یا کچھ اور کر لو, کہ نہیں بس فری چوائس تھی آپ کو کہ بس جو کرنا کرو؟ نہیں, میرے خیال میں پرانے زمانے میں زیادہ چوائسیز تھی نہیں, ہمارے زمانے میں تھی انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ یا ٹیچر بن جاؤ, وہ بھی ایک سیف پروفیشن سمجھا جاتا ہے, سیف ہوتا تھا, لیکن اس پر ٹیچنگ میں پیسے نہیں ہوتے. اب تو الحمد للہ ٹیچنگ میں تھوڑے بہت پیسے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اچھا کام یہ کیا کہ ٹیچر کو تھوڑے اچھے پیسے مل جاتے ہیں, پہلے نہیں ملتے تھے, نہ پیسے ملتے تھے نہ رشتے ملتے تھے, اب ذرا مل جاتے ہیں ٹیچر. آپ کو آسانی ہوئی رشتہ ڈھونڈنے میں کہ نہیں؟ وہ ڈھونڈ لیا میں نے خود ہی. اچھا, تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں بھی تھوڑی سی کر لینی چاہیے ہمت, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ اب آپ کا انڈسٹری سے شفٹ کیوں ہوا ٹیچر بننے میں یا پروفیسر بننے میں, اسی کو آپ نے کیوں کنٹینیو نہیں کیا یا آپ نے کیوں شفٹ کیا اپنے آپ کو؟ دیکھو, کچھ تو یہ چیز تھی کہ میں ایک کام کافی عرصے تک کرتا ہوں, تو جب اس میں کوئی چیلنج باقی نہیں رہتا تو مجھے پھر مزہ نہیں آتا. تو میں انجینئر بھی ہوں, میں نے کوئی 12-13 سال انجینئرنگ کی نوکری کی, پھر میں سعودی عرب چلا گیا, میں نے وہاں انجینئرنگ کی نوکری کرا تھا, وہ چھوڑ کے میں ایم بی اے کرنے چلا گیا, امریکہ میں ایم بی اے کیا, 2-3 سال وہاں رہا, وہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا, اچھے پیسے ملتے تھے, لیکن وہ چھوڑ کے پھر پبلک سیکٹر میں آ گیا, پھر پبلک سیکٹر چھوڑ کے پھر میں ٹیچنگ میں آ گیا. اچھا, تو اسی لیے ابھی تک اس عمر میں بھی میں جو کچھ کرتا ہوں مجھے کرنے کا مزہ آتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگ, مطلب وہ لیٹر ان دی لائف یا لیٹر ایج پہ, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایز اے پروفیسر ہی دیکھنا چاہتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذرا سیف ہوتا ہے, اتنا ہیکٹک نہیں ہوتا, آرام سے آپ صبح جائیں بچوں کو پڑھائیں, یا جو آپ نے سیکھا وہ آپ ان کو سکھائیں اور واپس آئیں. آپ کو بھی, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا آسان کام ہوتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ خواری نہیں ہوتی ہے, کیا آپ کا کیا اس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح وہ ہے پرسپیکٹو, فلیکسیبلٹی میں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آسان کام ہے, لیکن فلیکسیبلٹی ہے. میں نے میرے خیال میں ایجوکیشن میں آگے جتنی محنت کی ہے نا پڑھانے کے آنے میں, کبھی میں نے شاید انڈسٹری میں اتنی نہیں کی تھی, یا یہ کہہ لیں کہ سوچا یہ تھا کہ یہاں آ کے تھوڑے آرام کی نوکری ہوگی. لیکن جب یونیورسٹی میں آیا تو میں نے صرف پڑھایا نہیں, میں نے بچوں کے ساتھ بزنس کلب کھولے ہیں, میں نے سینٹر آف انٹرپرینرشپ شروع کیا ہے, بچوں کی میں نے مینٹرنگ کی ہے کہ یار نکلو اور کچھ کرو, دوسری یونیورسٹی میں بھیجا ٹرین کر کے جاؤ, کمپٹیشنس میں انوالو ہو, جیت کے آؤ کچھ. اور وہ جو بچے جب یونیورسٹی سے باہر جاتے ہیں, کسی اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں کے خلاف بینچ مارک کرتے ہیں اور پھر جیت کے آتے ہیں, وہ جو ایک ہائی ہے اس کا مزہ وہی صرف مزہ لے سکتا ہے جو کر کے گزرتا ہے. تو میں آج بھی میری بچوں کے ساتھ جو بات ہوتی ہے کہ یار یونیورسٹی سے نکلو, یہ دنیا نہیں ہے, صرف اصلی دنیا تو باہر ہے. تو دس از واٹ ٹیچرس ٹین ٹو ڈو. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں میرے جو ساتھی جو ہیں ظاہر ہے میری طرح عمر رسیدہ ہو گئے, لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ یار ایک عمر میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کو ضرور نہیں کہ فارمل ٹیچنگ میں آئے, لیکن ٹیچنگ ضرور کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے 30 سال کی 35 سال کی کام کرنے کے بعد
कि हमें क्या कुछ आता है, इसलिए कि हमने जो काम किया होता है बड़े अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। टीचिंग में आने के लिए उसको आपको एक स्ट्रक्चर में डालना होता है, ठीक है ना, कि ये किताब है, ये आउटलाइन, इस दिन ये पढ़ाऊँगा, इस दिन ये पढ़ाऊँगा। वो मेहनत ज़रूर होती है, वो करनी पड़ती है, लेकिन फिर जो मज़ा आता है ना, जो मेरे ख्याल में, मैं 8 साल मैंने पढ़ाया है, 8 महीने से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बच्चों का फीडबैक मुझे मिलता है ना, बच्चे मतलब मेरे जो स्टूडेंट रहे, ठीक, बच्चे कहते हैं देयर इज़ नथिंग लाइक इट। बच्चे बाहर से कॉल करके कहते हैं सर मैं ये इस चीज़ में दाखिला ले दूं। नहीं नहीं, वो तो बात और है, पढ़ने अच्छा। बाहर चलेगा, मास्टर्स करने चले, सर मैं इस चीज़ में दाखिला ले रहा हूँ, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लूँ। अच्छा। फिर दूसरे कहता है सर आपने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। तीसरा कहता है सर आपने वो जो कोर्स पढ़ाया था ना, उसमें वो चीज़ जो पढ़ाई थी हमें तो बड़ी बोर लगती थी, लेकिन आज काम आ रही, देर इज़ नथिंग लाइक इट। बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे इंसान अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखता है ना, हमने सुना होगा सेटिस्फैक्शन की बच्चा जब शुरू के चंद कदम लेता है तो माँ बाप को क्या खुशी होती, एक अच्छे उस्ताद को सबसे बड़ी खुशी यही है। और देखिए ये भी एक अच्छे उस्ताद की निशानी होती है कि जब उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं तो वो भी खुश हो साथ में। बहुत जबरदस्त चीज होती है। अच्छा मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करना कितना जरूरी आप समझते हैं कि जिस भी फील्ड में या जिस भी एक्टिविटीज में वो जाना चाहते हैं या किसी भी प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है उनको हम बताएं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इस करियर को इस तरह परसू करें, और वो गाइडेंस देना कितना इम्पोर्टेंट है। गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। इसलिए कि अल्टीमेटली जो सीखता है इंसान दुनिया में वो थोड़ी बहुत ठोकरें खा के सीखता है। अब मेरे अपने बच्चों के साथ भी, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, प्रोफेशनल्स हैं, शादीशुदा हैं, तो जो बिल्कुल आप आइसोलेट करके नहीं रख सकते और इंसुलेट करके नहीं रख सकते, जिस बच्चों को आप इंसुलेट करके रखेंगे ना, वो जब रियल लाइफ में जाएगा, रियल वर्ल्ड में जाएगा, तो ठोकर खाएगा, फिर उससे उसके लिए रिकवर करना मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाता। तो थोड़ी बहुत ठोकरें खाना कोई बुरी बात नहीं है, और थोड़ा बहुत हमारी जो एक टेंडेंसी है कि बच्चों को अगेन पैम्पर करके रखना, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। इसी तरह अब इसको मैं पेरेंट्स के एंगल से ले रहा, बच्चों के लिहाज से मेरा ये है कि एम्पावरमेंट की जो आपने बात की, एम्पावरमेंट से ज़्यादा पहले मेंटल ओपननेस की बात होती है कि बच्चा खुद दिमाग खोले कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, दुनिया में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें आजकल हम मीडिया के बहुत ज़्यादा स्लेव हो गए, बड़े लोग बैठ के टीवी देखते रहते हैं, बच्चे बैठ के मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं। सही बात है। तो पुराने ज़माने में टीवी को लोग अमेरिकन टर्मिनोलॉजी थी, इडियट बॉक्स कहते थे उसको। उसकी वजह ये बैठ के कि आदमी एक ड्रिंक लेके बैठ के टीवी देख रहा है 4 घंटे तक, वन वे ट्रैफिक आ रही है, आपका दिमाग तो सोच ही कुछ नहीं रहा। सही बात है। सो व्हाट वुड यू एंड अप बिकमिंग, और आपने देखा होगा कार्टून वार्टून बैठे हुए लोग, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा उसका एंगल ये है कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज डजंट गेट यू एनीथिंग। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो जनरल इलेक्ट्रिक बड़ी मशहूर कंपनी होती थी, उसके जो CEO था उसने 15-20 साल पहले बात कही थी, कहता 15 years down the line, a 12-year-old and the CEO of General Electric will have access to the same information. Will have access to the same information. The real difference would be, what do you do with that information? तो अब अगर आप पूरा टाइम इंफॉर्मेशन लेने में ही गुजार दें और उसके बारे में सोचें नहीं कि क्या करना है उसे, तो इंफॉर्मेशन तो वर्थलेस होगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप जो ज़्यादा आपका जो काम होता है, उठना बैठना जो होता है, वो यूथ के साथ होता है, आजकल सारे जवान बच्चे आपके इर्द गिर्द होते हैं, मुझे बताएं कि जो न्यू जनरेशन है या ऐसे बच्चे जो थोड़े से ज़रा उनके इतना मेंटली वो आगे भी नहीं गए होते अपने सोच में, उनको आप जब गाइड करते हैं या उनको जब आप उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, कितना ज़रूरी है एकेडमिक जो आपका करियर होता है स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, कि आप उनको एक पूरा उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करते हैं और वो एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन के निकलते हैं यूनिवर्सिटी से। बहुत ज़रूरी है। और मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ कि बहरी यूनिवर्सिटी में एक चीज़ अभी शुरू हुई है, अब शायद आप लोगों को पता है ही नहीं, द ग्रूमिंग स्कूल। ग्रूमिंग स्कूल का कंसेप्ट यही है कि हम सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है। अब हमने ये किया कि एक स्ट्रीम में जो हमारी BBA की स्ट्रीम है यहाँ,
उसमें हमने कोर्सेज को ऐसे अडेप्ट कर दिया है कि बच्चा जब ग्रेजुएट होकर 4-7 माह निकलेगा तो ये जो आप ग्रूमिंग की बात करी ना, जिसमें न्यूमेरेसी स्किल्स आ गई, आईटी स्किल्स आ गई, इंटरव्यू देना, सीवी लेना, लोगों से कैसे मिलना, टेबल पे बैठ के खाना कैसे खाना अच्छी महफिल में बैठ के, दूसरे जेंडर के साथ कैसी डीलिंग करना, ये सारी चीज़ अब कोर्स का हिस्सा हो गई, ताकि 4 साल बाद जब बच्चा निकले तो वो सिर्फ एक बीबीए डिग्री होल्डर ना निकले, बट जिसको हम बहरी एक्सपीरियंस कहते हैं 360 एक्सपीरियंस, तो 360 ग्रूम्ड प्रोडक्ट निकले। अच्छा, एक स्ट्रीम में हमने बीबीए में तो ये कर दिया, और हर जगह हम कर नहीं सकते इसलिए कि कोर्सेज में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन एक एलडीसी का काम ये है कि हम इस किस्म की चीज़ों को वर्कशॉप के और ट्रेनिंग्स के जरिए दूसरे बच्चों को भी सिखाएं, तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी हो गई। मतलब इसमें तो दो राय है ही नहीं कि जी आपको, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रूमिंग नॉट ओनली इन अ फिजिकल कॉन्सेप्ट बट इन टर्म्स ऑफ मेंटल ओपनिंग, कि जी आपको सोशल एक्टिविटी करनी ज़रूरी। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा वो Trail 5 और Trail 6 पे जाके लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, मेरी फेसबुक पे आता है, बहुत अच्छी बात है जाके करें। हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने एक चीज़ शुरू की थी से नो टू बेगरी, कि बच्चों को ये जो चौराहे पे खड़े बच्चे मांग रहे हैं उतनी चीज़ें, पैसे मांग रहे हैं, तो उसको ना दे, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज माफिया है, उनको ना दे, देना सही जगह पर दे। तो बच्चे इस किस्म के काम कर रहे हैं, करने देना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। यह ज़रूर है कि आजकल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, फिज़िकल जगहें नहीं है जैसे खेलने के लिए, लेकिन एक तरीक़ेकार हो गया, आप कोई जगह रेंट करके कर सकते। तो आई थिंक ए ह्यूमन बीइंग इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज़ एंड परसेप्शंस, वो सारी चीज़ों को आपको बिल्ड करना था। हमें परसेप्शन भी सही करनी होती, जैसे हमने एक वर्कशॉप हम करते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के, यार दूसरों के साथ बैठ के आप कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे बहरी यूनिवर्सिटी में बच्चे आए क्लास में, शुरू में तो वो लड़के बिल्कुल अलग बैठते थे, लड़कियाँ बिल्कुल अलग बैठती थी। मैंने कहा भाई जब इंशाल्लाह तुम लोग ग्रेजुएट करोगे तो तुम बॉस होगे तो तुम्हारी जो सबॉर्डिनेट्स होंगी वो लड़कियाँ होंगी, या ये भी हो सकता है तुम सबॉर्डिनेट होगे तुम्हारी बॉस फीमेल होगी, सो गेट यूज टू वर्किंग विद देम। मैंने ये भी ज़बरदस्ती की कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे तो कोई मेल ग्रुप या कोई फीमेल ग्रुप नहीं होगा, ताकि गेट यूज्ड टू, बिकॉज यूनिवर्सिटी लाइफ इज जस्ट अ प्रीकर्सर टू रियल लाइफ। यहाँ नहीं सीखोगे तो आगे जाके मार खाओगे ना, सीख लो यहाँ जो कुछ सीख। अच्छा मुझे सर आप अपने यूथ के बारे में बताएं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की लाइफ थी या जो आपका था उसमें आपको कितना हेल्पफुल रहा, आप भी अलग अलग बैठते थे क्योंकि ऑब्वियसली अब उस वक्त अगर आपकी इस तरह ग्रूमिंग होती कि बेटा जरा सा इस तरह बैठ जाओ उस तरह बैठ जाओ, आपको लगता है कि आपको भी अकेले अकेले बिठाया था, पहले तो ये बताएं। मैं एक तो मैं बड़े पुराने जमाने की पिछले सदी में था, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, और लड़कियां थी आपकी यूनिवर्सिटी में कि नहीं? मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, वहाँ हार्डली थी। अच्छा, मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस जमाने में नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैं जब MBA करने गया अमरीका में तो वहाँ थी, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट आई विश आजकल के देखो ये मसला रहा तो नहीं, बट जब मसला नहीं रहा कि आप क्लास में साथ हैं तो काम करना भी एक साथ सीख लो यार, करो जिंदगी में वास्ता तो आपको पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आपने यहाँ पे लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं किया, यूनिवर्सिटी में 3-4 थी, अगर ज्यादा होती तो फिर आपको जरा कोई बड़ी बात मुश्किल, फिर आप बाहर गए तो फिर आपको बस लड़कियाँ लड़कियाँ, फिर बंदा थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले इंटरेक्ट नहीं किया होता तो मुश्किल थी आपको कि नहीं? हाँ देखिए कहीं ना कहीं जाके तो आपको ये बैरियर को क्रॉस करना होता है ना, ठीक है ना, जितनी जल्दी आप कंफर्टेबल हो जाए, अच्छी बात है कि आजकल स्कूल कॉलेजों में तो कोएड होता है तो इसलिए कोई इश्यू ज़्यादा होता नहीं, लेकिन बाज़ लोगों के लिए होता है शुरू। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये जो आप एम्पावरमेंट वाली बात करें, ये भी एक एम्पावरमेंट वाली बात है। अच्छा। कि लेट द फीमेल्स हैव द एबिलिटी टू वर्क विद द मेल्स एंड लेट द मेल्स हैव द एबिलिटी टू वर्क विद द फीमेल्स, इसलिए करना तो पड़ेगा। अच्छा, जो अक्सर जो बच्चे वगैरह जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, माँ बाप बड़े कॉन्शियस होते हैं कि पता नहीं बच्चा चला जाएगा, पता नहीं गोरी ना ले आए कहीं, पता नहीं शादी ना करके, आपके पेरेंट्स ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की? मैं शादी के बाद गया था। अच्छा, चलें आप खुश तो मेरा इशू वो नहीं था, लेकिन इट इज़ अ रियल इशू। अच्छा, इट इज़ अ रियल इशू, और आई डोंट नो इफ दिस द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट, चूँकि मैं बाहर पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं बाहर, तो हमारे साथी अक्सर पूछते हैं। मैं कहता हूँ यार अंडर ग्रेड लेवल में बच्चों को बाहर ना भेजो, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट मैच्योर इनफ। अंडर ग्रेड यहाँ से करवा लो,
उसके बाद भेजो तो बच्चे ज़रा सा मेच्योर हो चुके होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा दे आर एबल टू हैंडल दिस बीइंग विद द अदर्स विद द अदर जेंडर. दूसरी मेरी रिक्वेस्ट उनकी ये होती है कि ऐसी जगहों पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें जहाँ अतराफ में कोई फैमिली हो. अच्छा, इसलिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होता है मेल हो या फीमेल, कि वीकेंड में कहाँ जाए, वहाँ तो वीकेंड में वहाँ वाले बच्चे तो एक साथ मिल के चले जाते हैं. हमारे बच्चों को समझ नहीं आता, तो एक सोशल प्रेशर बड़ा होता है कि हम क्या करें सर, वीकेंड पे हॉस्टल में तो नहीं बैठ सकते. वह एक सोशली बड़ी मायूसी चीज़ मानी जाती है. तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ चले जाएँ भाई, अपने खाला के घर चले जाएँ, मामू घर चले जाएँ, कज़न के घर चले जाएँ, तो वीकेंड वहाँ गुजार. ये दो तीन छोटी मोटी चीज़ें का ख्याल करने तो बच्चे के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. बट फैक्ट प्रेशर है, प्रेशर है. अच्छा, मुझे पता है ट्रैवलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है. आप दूसरे मुल्क में रहे, दूसरे को कल्चर में रहना कितना इम्पोर्टेंट है. जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, उनके कल्चर में रहते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप थोड़े से ज़्यादा एटिकेट सीख लेते हैं, कर्टियस हो जाते हैं. कितना ज़रूरी है सफ़र करना, दूसरा मुल्क घूमना? आप समझते हैं कि अच्छा फैसला था बाहर भी जाना, एक्सपीरियंस लेना? पहली बात तो जो उर्दू का सफ़र करना है वो अंग्रेज़ी का सफ़र करना नहीं है. You don't suffer when you go on a journey. ठीक है, सफ़र से आदमी बहुत कुछ सीखता है. आज भी मेरी कोशिश होती है कि साल में एक दफ़ा मैं निकलूं बाहर मुल्क से. अच्छा, कहीं जाऊं ऐसी जगह पे जहां शायद मैं पहले नहीं गया. जो आपको दुनिया चीज़ें सिखाती है ना, बिकॉज जहन को बंद करना जो है ना इज़ द बिगेस्ट क्राइम. इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने जहन दिया. साइंटिफिक साइंटिस्ट एग्री कि हमारे जहन हम 8-9% इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं. इसका मतलब है भी 90% इस्तेमाल करने की जगह बाकी है, पोटेंशियल है ना. यहीं रहोगे, यही काम करोगे, वही काम करोगे, उन्हीं लोगों से मिलोगे, तो फिर तो कुएं के मेंढक होगे ना. और हमारे जो बड़े उस्ताद रहे, गुरु रहे, अल्लामा इकबाल, वो तो उन्होंने ख़ुद भी ये किया, सबक भी यही दिया, निकलो बाहर भाई, दिमाग खोलो, दुनिया जहाँ और भी है. सीखते भी हैं ऑब्वियसली बाहर रहते, बहुत कुछ सीखता. अच्छा, कुकिंग वगैरह अपने लिए खुद करते थे कि क्या, हॉस्टल में रहते थे, किस तरह? नहीं, मैं तो देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने बताया जब मैं बाहर गया तो मैं शादीशुदा था. अच्छा, तो फैमिली को लेके गए थे आप? फैमिली को लेके. अच्छा, हाँ हाँ, फैमिली टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट वांट टू लीव देम. अच्छा, और टाइम आप किस तरह अपना मैनेज करते हैं कि आप जब यूनिवर्सिटी से जाते हैं, आपने वीकेंड्स रखे होते हैं कि वीकेंड में बच्चों से मिलना है, या क्योंकि उस जमाने में अभी क्योंकि अच्छा. अभी क्योंकि अभी भी आप ऑब्वियसली अभी भी आप इतने बिजी हो गए, यूनिवर्सिटी भी 5-4-5 बजे तक रहो, 6 बजे तक रहो, तो बेगम आपकी शिकायत करती हैं कि आप सारा दिन यूनिवर्सिटी के बच्चों को दे देते हैं, मुझे टाइम नहीं देते. मैं इससे पहले मैं उस जमाने की बात करूं जब मैं पढ़ रहा था. अच्छा, मैं इसलिए कहूँगा शायद कुछ लोगों का भला हो जाए कि टाइम जिंदगी कैसे मैनेज. हाँ, स्टूडेंट क्या करना चाहिए. मैं अमरीका में था, मेरे 2 बच्चे थे, शादीशुदा था. अच्छा, सुबह 7 बजे मैं यूनिवर्सिटी जाता था, 5 बजे करीब यूनिवर्सिटी से वापस आता था. ठीक, सारा और यूनिवर्सिटी 7 से 5-8 पहुँचते टाइम लगता था थोड़ा सा, समझो बिटवीन 7:30-4:30 आई यूज्ड टू बी इन द यूनिवर्सिटी. अच्छा, यूनिवर्सिटी, और ये मैं खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि ये डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है. अपना असाइनमेंट, कल का जो होमवर्क मिला है, क्विज़ की तैयारी, आज जो टीचर ने पढ़ाया सारा उसी वक्त पढ़ लेता था मैं वहाँ. अच्छा, ताकि घर में मुझे ज़्यादा ना ले जाना पड़े. अल्हम्दुलिल्लाह, यू टॉक्ड अबाउट बर्कले, इट्स वन ऑफ द टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स, सो इट इज़ वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ. और ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं आपने वहाँ पे सीखी कि पाकिस्तान में जब आप स्टूडेंट थे आपने तब सीखी? मैंने अच्छी कंपनियों के साथ काम किया. मैंने शुरू में एक बात की कि जब जॉब शुरू करो, कोशिश करो ऐसी कंपनी में जैसे शायद आपको 10,000 रुपये कम तनख्वाह दे, लेकिन आपको एक वर्क एथिक सिखा दे. ये वर्क एथिक जो नहीं कि काम के वक्त मैंने काम करना और घर के जाके काम, घर जाके मैंने काम की बात नहीं करी. इवन टुडे आई ट्राई टू फॉलो दैट. मुझे काम होता है, मैं यहाँ 6 बजे तक बैठता हूँ, 7 बजे तक बैठता हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है यहाँ से घर जाने की, निकलूँ बाहर तो इस चीज़ को यहाँ छोड़ के जाऊँ. हमारे पाकिस्तान वर्किंग सिस्टम में एक बड़ी अजीब बात है कि हम घर के मसले दफ्तर में ले आते हैं, दफ्तर के मसले घर में ले जाते हैं. दूसरी बात आपने की कि बेगम कहते हैं कि 6 बजे तक घर पहुँचते हो. बाकी मैं टीचिंग में शुरू में आया इसीलिए था कि थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन जब मुझे इतना मज़ा आने लगा काम करने में, तो मैंने बेगम को कहा कि यार थोड़ा सा कर लें दो, ठीक है. तो बट शी इज़ ऑल्सो वेरी बिजी लेडी. तो और मसरूफियत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कीप्स यू मेंटली यंग, और फिज़िकली भी चैलेंज होता है. जैसे ये वही वाली बात है कि सुबह 6 बजे उठ के या 6:30 बजे उठ के आप वॉक करने चाहें.
ठीक है ना, फिजिकली चैलेंजिंग है ना, सुबह 6 बजे आजकल की सर्दी में, लेकिन हम करके देखें, एक तो करने के बाद जो मज़ा आता है, दिमाग भी खुल जाता है, फ्रेश भी इंसान हो जाता है, तो ज़िंदगी में जो मसरूफियत है ना, बिल्कुल सुबह की 6 बजे की वॉक की तरह, फिजिकली चैलेंजिंग बट इट्स वेरी गुड। अच्छा वक्त एक छोटे से ब्रेक कर, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहिद साहब हमारे साथ हैं और मजीद इतने टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, शाहिद हक साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक में हम बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि आपकी बेगम जो है वो भी प्रोफेसर हैं और ऑब्वियसली वो भी बिजी रहती हैं, कितने सपोर्टिव आप उनके लिए रहे? क्या आपने कहा कि पाकिस्तान टिपिकल मर्दों की तरह पाकिस्तान के कि नहीं बेगम काम नहीं करना, बस घर में बैठ के बच्चों की परवरिश करनी है, या नहीं यू वर सपोर्टिव? आई वाज नॉट वेरी ओनली सपोर्टिव, आई वाज वेरी इनकरेजिंग। अच्छा, इसलिए कि देखें ना, आई फील कि जब इंसान कई चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो आदमी उस किस्म की सब बातें कर सकता है, सो इट मेक्स यू मोर इंटरेस्टिंग एट ए पर्सन। अब मैं टीचरों में बैठ के टीचर की भी बात कर सकता हूँ, स्टूडेंट में बैठ के स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात कर सकता हूँ, टेलीकॉम वालों के साथ बैठ के टेलीकॉम की बात करता हूँ, और अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठ के रोना रोता रहता हूँ पाकिस्तान के अच्छी हालात अच्छे नहीं, दैट्स वॉट मेक्स मी एन इंटरेस्टिंग टॉकर आई बिलीव। द सेम थिंग विद माई वाइफ, इफ़ शी वर नॉट डूइंग एनी थिंग एक्सेप्ट बींग ए हाउस वाइफ, तो हम दोनों में कम्युनिकेशन क्या होती, बड़ी लिमिटेड होती ना। तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट इट मेक्स द अदर पर्सन, वेदर द हस्बैंड और द वाइफ, जितने उसके इंटरेस्ट होंगे ना तो वो उतना इंटरेस्टिंग पर्सन हो जाता है। और ये मर्दों के लिए मैं कहता हूँ, मर्द जब सुबह से जाकर शाम तक एक ही जगह नौकरी करते हैं, नौकरी के अलावा और कोई बात नहीं करते हैं, तो आप क्या बात करें? सही बात है। अब वीकेंड में हम इधर की बात नहीं करते, वीकेंड की हम बात करते हैं जी ट्रेल 5 पे हाइक के लिए जाएंगे, और फॉरेन अफेयर्स वाइफ का वो मिला हो रहा है वहाँ जाएंगे, और लोक विरसा में बड़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी वो जाके देखेंगे, और फलां जगह जगह खा लेंगे, और किसी शादी में भी चले जाएंगे। अच्छा आपको हम सब ये करते हैं चूँकि बात, तो ये सब बातें करने की होती है, अगर मैं नहीं करता या वो नहीं करती कि सुबह शाम तक ये काम करते हो क्या बात करेंगे फिर? अच्छा मुझे बताएं, आपको शिकायत नहीं होती कि बेगम भी काम करती हैं तो मैं जब आता हूँ तो वो भी थकी होती है, मैं भी थका हुआ होता हूँ, या नहीं आप समझते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एक करियर परसू करना है, उसको सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है, ऐसे एक औरत का भी एम्पावर्ड होना, उसका भी इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट है? कोई शक की बात है ही नहीं ना, लेकिन हम बड़ी बातें करते हैं, एक क्या गाड़ी के दो पहिए फलाना फलाना, ये तो हमने बहुत सारी चीज़ें कि औरत को घर में रखना उन कल्चर से रही ली हैं जो हमारे कल्चर नहीं थे। अब मैं इससे ज़्यादा इसमें आगे में नहीं जाऊँगा, ओरिजिनल मुसलमानों के कल्चर में भी इतना बंद होने की चीज़ें नहीं थी, ये हमने दूसरे कल्चर से लिया कि जी औरत का काम सिर्फ मर्द की खिदमत करना है, वो खाना उस वक्त नहीं खाएगी जब तक मर्द नहीं खा लेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ मैं बराबरी इसको नहीं कहूँगा, हर एक की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, इसकी अपनी जिम्मेदारी, उसकी अपनी जिम्मेदारी, और दोनों इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी करें तो अच्छा। मुझे बताएं कि आपने पहले मुझे जिस तरह बताया कि इंडस्ट्री, क्योंकि आप प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल हैं, मुझे बताएं कि इंडस्ट्री का एकेडमिक्स के साथ होना कितना इम्पोर्टेंट है, या क्योंकि आप खुद भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो किसी भी इंडस्ट्री का किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए या उसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बाद में आपकी तरह इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि वो ये नहीं कि बस 10वीं पास करके अब्बू का बिजनेस है उसको संभालें, कितना इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ें भी फिर बाद में इंडस्ट्री में आए उसको सीख कर आए? दो चीज़ें इसमें, एक तो ये वाली बात है कि यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, किस किस्म का स्टूडेंट होना चाहिए वो इंडस्ट्री से पूछना बड़ा लाजमी है। दुनिया के जितने बड़े प्रोडक्ट हैं, ये बड़ी सर्विसेज हैं, कभी उन्होंने ये सिर्फ बात नहीं हुई कि हम ये चीज़ बनाएंगे तुम लो या ना लो, हम तो ये बनाएंगे। जिन लोगों ने ये किया फेल हो गए, नोकिया फ़ोन बनाती रही, बहुत अच्छा बनाती रही, जब देखा कि कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो गई, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई स्मार्टफोन की तरफ, उन्होंने नहीं किया, मारे गए। 10 साल बाद आके
अब दोबारा स्मार्टफोन एक नया इंट्रोड्यूस करें अच्छा वाला, अब उनको अकल आई है कि भाई एक प्रोडक्ट बनाओगे तो जब तक कस्टमर लेने तैयार नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो क्या फायदा बनाने, क्या फायदा। यूनिवर्सिटी नीड टू थिंक ऑन द सेम वे, भाई आपका प्रोडक्ट निकल के इंडस्ट्री में जाता है ना, तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए। और आजकल अच्छी बात यह है कि बातें शुरू हो चुकी है, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेजेस की बात शुरू हो चुकी है, हो रही है, और उसके लिए कई प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि हम वो चीज़ कर सकें कि जो इंडस्ट्री से लेके चीज़ आए यहाँ। दूसरी बात आपने की कि एक्सपेंडिंग होराइजन, बाज लोग होते हैं कि मैं नौकरी करूँगा, पढ़ाई करूँगा, अब्बा के बिजनेस में चला जाऊँगा, सीख के नहीं आते प्रॉपर, क्या नई चीज़ सीखी। दुनिया की तरक्की हमेशा इस चीज़ से हुई है कि एक नई जनरेशन ने आके कोई नई चीज़ ऐड की, जब तक वो ऐड नहीं करेंगे वही करेंगे, जब बात करते रहे तो बात तो बिजनेस तो आगे नहीं बढ़ेगी। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक दफ़ा स्टूडेंट आया कि जी मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, मेरे अब्बा की बहुत बड़ी बिजनेस है, मैंने MBA BBA कर लिया तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा बैठ जाओ, बात है। मैंने कहा किस चीज़ का बिजनेस। कहते हैं जी ये जो चने होते हैं इनके बहुत बड़े आड़ती हैं, अच्छा छोले नहीं होते आड़ती हैं, वो आड़ती आपको पता है कि वो बिग ट्रेडर हो गया ना, होल सेलर। मैंने कहा ठीक है, अब आप चने का क्या कर सकते, तुमने पढ़ लिया ना, तुमने मार्केटिंग पढ़ी हुई, ब्रांड पढ़ी हुई, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ी, क्या कर सकते। एंड वी गॉट टू टॉक। मैंने कहा देखो यार, छोले अब उबाल के पैक करो, छोले आप साफ करके पैक करो, छोलों का आप वो जो अरबी लोग नहीं बनाते क्या हुम्मस बनाते हैं वो बना लो, बनी बनाई चाट पर पैक करके भेज दो। और ये तो मैं दो चार बातें कर रहा हूँ, मुझे अभी ख्याल आ रहा है, गो एंड सी व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड टू योर फादर्स बिजनेस। जनरेशंस जब तक ये वैल्यू एडिशन नहीं करेंगी जो उनके वालदैन करें, तो दुनिया तरक्की कैसे करेगी। तरक्की अल्लाह ताला, द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट यू शुड ऐड वैल्यू टू ऑल टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन। वही करते रहोगे तो। एंड इवन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें पढ़ने का, हम तो बस ऐसे ही आए हैं क्योंकि डिग्री ज़रूरी है, या क्योंकि हमें तो अब्बू का बिजनेस संभालना है, हमें तो वैसी डिग्री चाहिए। तो एक चीज़ को जब आप सीख के आते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको काफ़ी अच्छे तरह से कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बगैर पढ़े लिखे अब्बू का बिजनेस संभाले तो अब्बू का बिजनेस तो डूब जाएगा। बिजनेस को आगे ले जाना। जैसे मेरा एक स्टूडेंट आया, उसके अब्बा की ट्रैवल एजेंसी, मेरे को बहुत अच्छी बात है, तो सर टिकटें बेचोगे सारी उम्र तुम ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, टूर ऑपरेटर बन जाओ, उमरे हज कराने शुरू कर दो, पाकिस्तान में टूरिज्म शुरू कर दो, टूर वालों को बाहर लेके जाओ, रिलीजियस टूरिज्म शुरू कर दो, 15 डिफरेंट थिंग्स टू डू। तो बात वही है जो आपने शुरू में एम्पावरमेंट की बात की थी, वो दिमाग खोलने वाली बात। आप ठीक है, आप पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बाद बच्चे नहीं होते, बाद बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, काम करने में बहुत अच्छे होते, काम करो लेकिन कुछ करो सही ज़रूर, जो होता रहे है उसको लेके बैठ जाओगे तो दुनिया तो नहीं आगे चलेगी, बिजनेस भी नहीं आगे चलेगी। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट LDC। सबसे पहले तो बताएं कि लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर है क्या। ये बात हुई थी शुरू तकरीबन 8-9 महीने पहले कि हम पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। तो मेरा इसमें कंसेप्ट ये है कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं, स्टूडेंट जो है वो एक तरह के हमारे कंज्यूमर है, वी गिव अ सर्विस एंड दे आर आवर कंज्यूमर्स ऑफ द सर्विस दैट वी गिव। हमारे जो इंडस्ट्री वाले हैं दे पे फॉर आर टू एम्प्लॉय आर स्टूडेंट्स, ठीक। हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बच्चे में ताकि अच्छा पढ़े, ताकि फ्यूचर रिटर्न्स होंगे। आई एम पुटिंग इट इन अ वेरी बिजनेस फॉर्मेट बट दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। जो जिन लोगों को हम पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी कम्युनिटी के साथ भी, आप एक इलाके में रहते हैं आपकी जिम्मेदारी इस कम्युनिटी के साथ भी है एंड अल्टीमेटली द कंट्री। सो देर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन। बाज यूनिवर्सिटी होती है हमारे पास बच्चे आ गए, हमने फी ले ली, हमने पढ़ा लिया, डिग्री दे दी, ये यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, सिर्फ ये काम नहीं है। तो LDC यहीं से इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ दिस कि सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, सिखाना ज़रूरी है और उससे आगे कल को कराना ज़रूरी है। अब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने से नहीं आती, एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिखानी पड़ेगी और करानी पड़ेगी। अच्छा। मैं जैसे अमेरिका में गया, बड़ी टॉप एंटरप्रेन्योरशिप का दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है बैप्सन कॉलेज, मैंने उनसे पूछा क्या मॉडल, कह लेंगे जी हम सेकेंड क्लास में बच्चों से कहते हो ग्रुप बनाओ अपने, तीसरी क्लास में वो, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तीसरी क्लास में प्रोजेक्ट लेके आओ
اور جو پورا آگے پڑھتے ہیں اسی پروجیکٹ کے ریفرنس سے پڑھتے ہیں. تو بائی دا ٹائم تو یہ جو سکھانا اور کرانا ہے یہ ٹپیکل یونیورسٹیز میں نہیں ہے. میرے خیال میں بحریہ کی مینجمنٹ نے یہ بڑا ایک زبردست ڈیسیزن دیا کہ بھائی یہ کام ہم نے کرنا ہے. اس کے بہت سارے فائدے, جو بات ہم نے انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کی تھی, ہم کورسز پلان کرتے ہیں, ہم پروموٹ کرتے ہیں انڈسٹری کے, آپ آؤ اور ہمارے پاس کرو, ہمارا ہی ٹیچر آپ کو ایک کورس کرائے گا. اچھا, تو لوگ آتے ہیں اس طرح. ہم انڈسٹری کے لوگوں کو باہر سے بلاتے ہیں کہ آپ آؤ اور یہ ورک شاپ کراؤ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جی آج کل کون سا سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے. اچھا, تو کنسیپٹ یہاں سے شروع ہوا. ٹھیک, اور اچھی یونیورسٹیز میں پاکستان میں بھی یہ چیز کچھ عرصے پہلے شروع کر چکے, لیکن الحمدللہ بہت ہی کم نے ابھی کیا ہے. اینڈ بحری یونیورسٹیز آن دا فور فرنٹ آف ڈوئنگ دیز تھنگس. ہمارے تین فارمیٹس ہیں اس میں, اس میں کہ ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے, ہم نے ٹیچر کو ایک اچھا ٹیچر بنانا اس لیے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی چینج ہو گئی, دس سال پر پہلے والی کتاب اب کافی نہیں رہی, اس پڑھانے کا طریقہ نہیں رہا, بچے اس طرح کے نہیں رہے. بچے اس طرح نہیں پڑھیں گے جس طرح 15 سال پہلے پڑھتے تھے. میرے پاس اکثر ٹیچر آ کے تھے, سر وہ بچے پڑھتے نہیں. میں نے کہا نہیں پڑھیں گے. اب ناؤ دا اونس از آن یو, جس چیز میں ان کو شوق ہے وہ پڑھیں گے, ان کے طریقے سے پڑھاؤ, جس طرح وہ سیکھیں گے اس طرح پڑھاؤ. تو یہ ٹیچر کو ہم نے امپروو کرنا ہے. دوسرے ہم ٹیچر سے یہ کہتے ہیں, بہت سارے ٹیچر ہمارے یہاں, اب میں جیسے ایل ڈی سی کو ہیڈ کر رہا ہوں تو مجھے بہت سارے ٹیچروں کو پتہ لگا کہ بھائی بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں بھائی, دے ہیو اے اسکل سیٹ. کسی کی سافٹ ویئر بہت اچھی آتی ہے, کوئی سافٹ ٹریننگ بہت اچھی کر سکتا ہے, کوئی فائنینشیل ایویلیویشن بہت اچھی کر سکتا ہے, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہے. ہم نے اپنے چیزوں نے کہا بھائی کہ آپ ٹرینر بنو, ول ڈو دس پروگرامس کمرشلی, انوائٹ پیپل کہ آپ 5,000-10,000 روپے دو اور آؤ ہمارے ورک شاپ کرو. ہم کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے 50% آف. اچھا, تو انڈسٹریل کورسز ہوتے ہیں وچ از مینٹ فار دا پروفیشنلز, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے 50% آف ہوتا ہے. اچھا, اور سر یہ جو کورسز کا پیریڈ ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے, کتنے عرصے کا ہوتا ہے یہ؟ اٹ کین بی اے ہاف اے ڈے کورس, 4 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, 35 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور ہم الٹیمیٹلی جانا چاہتے ہیں سرٹیفیکیشنز اینڈ ڈپلوماز. ہماری کچھ آرگنائزیشن سے بات ہو رہی ہے کہ جی ہم 3 مہینے کا یہ سرٹیفکیشن کورس آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اچھا, یہ 6 مہینے کا یہ ڈپلوما کورس آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو ابھی تو ہم نے شروعات کی نا, تو میں تھوڑا سا میں نے بات کی کہ ہم نے فیکلٹی کے لیے کیا. اسٹوڈنٹ کی جو کمی تو میں نہیں کہوں گا, دیٹس اے نیگیٹو ورڈ, جو ایڈ آن کرنا چاہیے ٹو میک دم مور سکسیزفل. جیسے آج کل اسٹوڈنٹس ہم کہیں کہ جی جب انڈسٹری میں آپ جاؤ گے تو آپ کو کچھ سافٹ ویئر آنی چاہیے. اچھا, میڈیا میں میرے خیال میں میڈیا کو زیادہ نہیں پتہ, لیکن میڈیا اسٹوڈنٹ جو ہیں کچھ چیز پڑھتے ہوں گے, لیکن آج کل انڈسٹری میں کچھ سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہوں گے. اگر پڑھائے گئے آپ کو تو بہت اچھی بات, نہیں پڑھائے گئے تو ہم اس کے لیے ورک شاپ کرا دیتے. اچھا, اور آپ کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کس انڈسٹریز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, بزنس سے یا ورائٹی آف فیلڈ سے آپ بات کرواتے ہیں؟ اینی تھنگ دیٹ ول ایڈ ویلیو ٹو آور فیکلٹی, آور اسٹوڈنٹس اینڈ ٹو دی پروفیشنلز ان دی مارکیٹ. مارکیٹ پروفیشنلز کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک فیکلٹی ممبر ہے, ہی از این ایکسپرٹ ان دیٹ کائنڈ آف سافٹ ویئر دیٹ وی نیڈ. ہم کہتے ہیں آج ہم نے ورک شاپ کرا دی. ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہ ہم میں یہ ورک شاپ یہاں کرانا چاہتا ہوں, باہر کے صاحب تھے, ہمارے مجھے پتا ہے اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہوگا. ہم نے مل کے کر لی, اپنے ہمارے اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہوگا, یا تو ان کو فری میں مل گئی یا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ مل گئی. ان صاحب کا یہ فائدہ ہو گیا, ہم نے ان کو جگہ دے دی, ان کو جگہ کے کرایہ ورائے کے پیسے نہیں دینے پڑے. سو اٹ واز اے ون ون سچویشن. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایل ڈی سی از اے پلیٹ فارم. وی انکریج پیپل, اسپیشلی اگر باہر کے لوگ سن رہے ہوں گے, کہ جتنے ٹرینرس ہیں جو ورک شاپ کراتے ہیں اس کے, آئیں ہم سے بات کریں. دس از اے پلیٹ فارم. یو وانٹ ٹو گیو ٹریننگ دیٹ ول بی بینیفٹ ٹو آر اسٹوڈنٹس, فائن. یو وانٹ ٹو گیو اے ٹریننگ دیٹ از گڈ فار دی انڈسٹری اینڈ ول ایڈیشنلی بینیفٹ آر اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا, مجھے بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جو بچہ ایک اسکل رکھتا ہے اس کو سب سے پہلے تو اس کو پتہ لگنا کہ یہ اسکل میرے اندر ہے, بعد میں اس کو ریفائن کرنا ود دا پیسج آف ٹائم یا ود دا ایئرز, جب وہ یونیورسٹی میں رہتا ہے 4-5 جتنے بھی ایئرز ہیں, اور بعد میں اگر وہ اس کو پرسو کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں جو آپ پروگرامز یا کورسز کرواتے ہیں آبویسلی ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے, ان کو آپ گائیڈ کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے اسکل کو سب سے پہلے اس کا پتہ لگنا انسان کو کہ میرے اندر یہ اسکل ہے, اور پھر تھرو سچ پروگرامز اس اسکل کو زیادہ ریفائن کرنا. آپ کہہ رہی بعض لوگوں کو ان بورن ٹیلنٹ والی بات,
ظاہر ہے کہ نہیں پتا ہوتا کہ فرض کریں میں مجھے پتا ہو کہ میں اچھی ٹیچر بن سکتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں اچھی ٹیچر تو کتنا ضروری ہے اس کو پہلے ڈیولپ یا اس کو بتانا یہ پتا لگانا کہ ہاں یہ چیز اسکل میرے اندر موجود ہے اور پھر اس کو ریفائن کرنا. یہ اپنے باپ نے بالکل صحیح بات کی اور جو ہمارا فیوچر گرومنگ اسکول کا کنسیپٹ ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی کوکی کٹر سولیوشن میں سے نہیں لے جائیں کہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بڑا اچھا ٹھیک ہے ہی از اسٹوڈنٹ آف بزنس بٹ ہی از ویری گڈ ان آرٹ تو ہی کین کمبائنڈ میڈیا گرافک ڈیزائننگ ود ہز بزنس. سم بڈی از ویری گڈ ود آرگنائزنگ تھنگس وہ ایونٹ مینجمنٹ کرنے لگتا ہے. اور آج کل جو ایک بڑی نئی چیز چل رہی ہے اور میں تھوڑی سی اس کا پروپوننٹ بھی ہوں اور یونیورسٹی میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ از انٹر ڈسپلنری پروگرامس اینڈ انٹر ڈسپلنری کورسز. مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپیوٹر سائنس میں جا کے کچھ سافٹ ویئر کے کورسز کرنے چاہیے. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مینجمنٹ سائنسز میں جا کے برانڈ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کرنی چاہیے. اس لیے کہ آدمی ایک چیز رہ کے تو اس سے دنیا نہیں چلے گی نا. یو ول نیڈ ٹو بی ملٹی ڈسپلنری ناؤ ٹو بی ایبل ٹو سکسیڈ. اس لیے کہ ایک کام اکیلا اٹس ناٹ انف ٹو جسٹ بی اے گڈ کمپیوٹر پروگرام. یس یو ول گیٹ سم جابس بٹ بہت سارے لوگ اپنا کام کرتے ہیں اپنی کمپنی بناتے ہیں اور پھر غلطیاں کر کر کے سیکھتے ہیں. جتنی ٹریننگ شروع میں سیکھ لیں گے اور ہو سکتا ہے ان کو بعد مارکیٹنگ میں آنے کے ان کے بعد پتہ لگے کہ بھائی میں تو مارکیٹر زیادہ اچھا تھا کہ میں نے تو کمپیوٹر سائنس کی. اور جیسے میں نے بتایا میں انجینئر تھا. انجینئرنگ میں نوکری کرنے کے بعد احساس ہوا کہ انجینئرنگ میں کی نوکری میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے سیلس اور مارکیٹنگ سائڈ پہ چلا گیا. جب وہاں چلا گیا تو مجھے احساس ہونا چاہیے اور مجھے تو مارکیٹر ہونا چاہیے تھا تو میں نے جا کے ایم بی اے کر لیا. بٹ آئی ڈیڈ ناٹ گیو اپ مائی انجینئرنگ سو آئی ریمینڈ اے سیلز اینڈ مارکیٹر فار ٹیکنیکل کمپنیز. تو دونوں اسٹرینتھ استعمال کر رہا ہوں نا, اس کو چھوڑ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے سر بتائیں کہ آپ کورسز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیونکہ اوبویسلی اگر 5-6 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں ایک یونیورسٹی میں, 10 کا ایک انٹرسٹ ہوگا, 10 کا ایک انٹرسٹ ہوگا, 10 کا ایک اور انٹرسٹ ہوگا. آپ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ اس کو کرتے ہیں کہ یہ بچوں کا انٹرسٹ اس کورس میں لگ رہا ہے تو اس کورس کے اوپر کرواتے ہیں کچھ, کہ نہیں آپ جنرل ایک آپ لے کے چلتے ہیں کہ اس طرح مینیج کرتے ہیں. خیال میں آپ نے بہت اچھی بات کی, آئی ایم ویری گلیڈ یو سیڈ دیٹ. ابھی تک ہم نے یہ نہیں کیا, نہیں ہماری کوتاہی ہے. اچھا کہ ہم ایک فیڈ بیک لیں کہ کیا کورس کرانے چاہیے اور انٹرسٹ کس میں بچوں کا. انٹرسٹ ابھی تک ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیمپسز ہیں ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیں کون سے کورس کرنے چاہیے جو آپ کا ٹیچر کرا سکتا ہے. ایک تو ہم نے یہ بھی تھی نا کہ ہمارے ٹیچر کون سی ٹریننگ کرا سکتا ہے, ان سے پوچھا. آپ کی فیکلٹی, ہاں اس حد تک ہم نے ضرور پوچھا کہ جی آپ کی فیکلٹی کو کس قسم کی ٹریننگ چاہیے. اچھا یہ ہم نے ان سے پوچھا. جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم نے کی. اسٹوڈنٹس میں ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن اگلے سیمسٹر میں انشاءاللہ, اور یہ ہماری بات ہوئی کہ اگلا سیمسٹر جب شروع ہوگا تو تھوڑی سی اب ہم اسٹیبلش بھی ہو گئے. پہلے تو ہم ایک بہت چھوٹی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس اسٹاف بھی نہیں تھا. اب الحمد للہ وی آر گیٹنگ اے نیو مینیجر. ہمارا ارادہ ہے پوری یونیورسٹی مشہوری کریں گے, اسٹال لگائیں گے, وہ رکھیں گے جی کہ کس قسم کے کورسز آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے تھوڑا جا کے کلاسز وغیرہ میں ذرا سی مشہوری کریں گے, یہ نیا ڈپارٹمنٹس کا یہ کام ہے, آپ بتائیں کیا کرنی چاہیے. سو گیٹنگ دی مارکیٹ فیڈ بیک, اینڈ ان دس کیس دا مارکیٹ از دی اسٹوڈنٹس آف بحریہ, وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. سو یو پوائنٹڈ آؤٹ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ویئر وی ہیو ڈن انف. اچھا اینڈ یو آر آلسو ایسوسیئیٹڈ ود برانڈنگ. کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ان کی برانڈنگ کرنا یا ان کے ٹیلنٹ کو اسکل کو مزید نکھارنا یا یونیورسٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے تھوڑی میری دل کی بات کر دی. ایک یونیورسٹی نے مجھے یہاں بلایا تھا ٹو ڈو اے اسمال ورک شاپ آن پرسنل برانڈنگ. اچھا وی آر آل برانڈس. شاہد حق از اے برانڈ, درخانہ از اے برانڈ. اب درخانہ کہیں گے تو کسی کے دماغ میں شاہد حق نہیں آئے گا. یو آر اے ویری کلیئر برانڈ. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. اب یہاں بھی میں نے پچھلے ہفتے اسٹارٹ میں کی ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو مور آف اٹ. اس لیے کہ وہ دیکھیں نا, جب آپ باہر جائیں گے ہر سال ہزاروں گریجویٹس نکلتے ہیں. واٹ ٹیلز ادر پیپل دیٹ آئی ایم ڈفرنٹ اینڈ آئی ایم بیٹر. تو یہ جو ویلیو ایڈیشن کی آپ شروع سے میں بات کر رہا ہوں ایل ڈی سی کی, یہ ویلیو ایڈیشن ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ ویلیو ایڈیشن بہت ضروری ہے, اور اس ویلیو ایڈیشن کی پروموشن بڑی ضروری ہے.
हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, और आप लोग के बड़े बूढ़े ने शायद कहा होगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना, सुना होगा आपने, ठीक। आई डोंट बिलीव इट एनी मोर। मैं ये नहीं कहता कि चौराहे पे खड़े मशहूर कर दो कि मुझे गाना बहुत अच्छा आता, लेकिन इस हद तक लोगों को एहसास दिलाना कि हमें मुझे गाना अच्छा आता है और हम क्लास का मिलकर बैंड बनाते हैं, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी का जो फंक्शन होगा हम करेंगे। मैंने यहाँ उस दिन यूनिवर्सिटी में गया, किसी क्लास के एचआर की क्लास थी, एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, वहाँ की फैकल्टी ने स्किट्स के थ्रू एचआर के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था। बच्चे ड्रामा कर रहे थे टू शो दी इश्यूज ऑफ एचआर, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्या किया उन्होंने, उनके अंदर जो इनबॉर्न टैलेंट था टू एक्ट करने का, बात करने का, डिलीवरी का, उसी को उन्होंने सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया, और ये पढ़ाने के अब नए तरीके आ रहे हैं, नॉट ओनली द बुक्स एंड नॉट ओनली द पावर पॉइंट स्लाइड्स। और जब किया, और दो तीन बच्चे मुझे नजर आए, मैंने टीचर को कहा कि इनको मुझे मेरे पास भेजिएगा, तो बड़े जबरदस्त बच्चे। और आप पोटेंशियल देखते हैं स्टूडेंट्स में कि वाकई में बच्चों में पोटेंशियल है, लेकिन उस स्किल को रिफाइन करने की जरूरत है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, हमारे बड़े पुराने उस्ताद जो अल्लामा इकबाल क्या कह चुके हैं, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब मेरा जो असिस्टेंट है यहाँ का बीबीए ग्रेड है, अच्छा। मेरी पूरी सोशल मीडिया कैंपेन वो मैनेज करता है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग वो मैनेज करता है, मुझे तो नहीं समझ आता। ही इज़ मच बेटर, ही नोज। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार छोड़ दो, मुझे ना समझाओ, तुम ही कर लो, मुझे कोई चीज़ चूज नहीं पूछनी होती, मैं उसको बुला के पूछता हूँ। आई हैव नो शेम इन सेइंग व्हाट आई डोंट नो। इट वुड बी शेमफुल टू से आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू लर्न, आई डोंट नो, इट्स सो इट टीचेस मी। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, कौमों की बका, कौमों की डेवलपमेंट जो है ना इसी में है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। स्टीव जॉब्स 65 साल की उम्र में तो मशहूर नहीं हुआ था ना, वो तो 27 साल की उम्र मशहूर हो गया था। डाइट का आप कोई ख्याल रखते हैं, कोई मुरगन शुरगन से परहेज करते हैं कि नहीं, वॉक शॉक करते हैं? मैं छोटी सी प्रिंसिपल एक बता दूं, रोज़मर्रा का खाना मज़े का नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा। बाज़ लोगों के सामने कहता हूँ, नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ कभी कभी का खाना मज़े का होना चाहिए। रोज़ अगर मज़े का होगा तो आप भी ज़्यादा खा लोगे। हाँ। तो रोज़ का खाना जो है आप सर्वाइवल के लिए रखो, और जो मज़े का खाना, वो कहते हैं अच्छा खाना मत बनाना, आज रिच नहीं बनाना। अच्छा, वो हल्की फुल्की चीज, बिकॉज उसको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, दोनों को रखना है ना। हाँ, क्यों आपका ताल्लुक, क्योंकि आप लोग जो लोग ज्यादा जरा उठना बैठना ज्यादा होते हैं लोगों, वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने बारे में ऑब्वियसली, या जिनका जरा यूनिवर्सिटीज में उनमें ताल्लुक होता है कि भाई जरा मोटे ना हो जाए या नहीं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने एक जिस्म दिया आपको, अमानत है। हाँ। जिससे जान अमानत है, जिस्म भी अमानत है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे जाते जाते बताएं कि फिल्म्स वगैरह देखते हैं, ड्रामे वगैरह देखते हैं? सब देखता हूं। थिएटर जाते हैं, मूवी कोई प्ले देखने के लिए, सिनेमा जाते हैं जो मूवीज आती हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सारे देखता हूं। और आजकल तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब इंडियन फिल्म्स बैन हो गई थी तो उसकी वजह से पाकिस्तानी मूवीज बढ़ी, लेकिन अब वापस आ गई हैं इंडियन मूवीज भी। बट आई होप दी पाकिस्तानी सिनेमा की अच्छी बात ये कि उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, नाउ दे कैन कम्पीट, आई एम नॉट सेइंग दे विल बी एज गुड, और हम लेकिन अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम। और टीवी ड्रामे भी देखता हूँ, हम टीवी के सारे हम सफर, जैसे मैं उस दिन बच्चों को बता रहा था कि क्लास में वो कुछ जेंडर सेंसिटिविटी वाली बात थी, तो मैंने कहा अगर आपने ये देखना है कि क्या नहीं करना चाहिए इन रिलेशन टू द अदर जेंडर, तो संगमरमर नहीं है। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। वो ड्रामा जाके देखो कि क्या नहीं करना चाहिए उसमें। मेरा सर, आपने मेरा नाम सुना है, उसमें आता है ना, नाम आता है। हाँ, अच्छा, और आप कोई जो है वो हम सफर वगैरह भी देखा? जबरदस्त देखा। अच्छा, सब देखा। ये सारी चीजें सिखाती हैं आपको। हाँ। ये फोन पे बैठ के टक 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 करना आपको नहीं सिखाएगा। फिल्में देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, प्लेस देखता हूँ, करते हैं टॉक शो सिर्फ खोल के देखते हैं कौन बात कर रहा है, देख लिया। हाँ। जब वैसा वैसा शुरू तो बंद कर। अच्छा सर, जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि आप क्या बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे, अपने जो आपका जो फील है उससे आप रिलेटेड क्या देना चाहेंगे, पाकिस्तान की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी करियर वो परसू करें या जो भी वो लाइफ में करें, आप क्या अपनी ज़िंदगी के कोई निचोड़ उनको बताएं कि क्या आपने सीखा? ज़िंदगी के निचोड़ अगर आपका हो तो मेरे ख्याल में डोंट ड्वेल टू मच ऑन डिसअपॉइंटमेंट्स। नेगेटिविटी को अगर ज़िंदगी से निकाल दो, उस बंदे ने मेरे साथ ये किया था यार, मिट्टी पाओ, ठीक है, लेके आगे जाओ। नेगेटिविटी किसी के खिलाफ आपको गुस्सा है उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप अपने आप को खा जा रहे हो, गेट इट आउट ऑफ द वे,
گو ہیڈ ڈو سم تھنگ ایلس. دس چیزیں کرو دو ضرور ہو جائیں گی, ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دس میں دس ہوں گی, دو ہو جائیں گی. لگے رہو اس کے ساتھ, بی پازیٹیو, گو فارورڈ, گیٹ تھنگس ڈن. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, صرف خالی پولا پلاؤ نہ بناؤ, ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ایل ڈی سی کے پہ میں یہ کہوں گا, ہمارے پاس آئیں, ہمارا آفس ہے این سی بیسمنٹ میں. اچھا, لیکن اس سے پہلے ہمارے فیس بک پہ ضرور جائیں. ہمارا فیس بک ہے بحریہ ایل ڈی سی آفیشیل. تو جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیز کرتے ہیں اس پہ ڈالتے ہیں. جا کے نئے نئے کورسز آ رہے ہیں, ہمیں ایک دو تین اچھے انٹرن کی بھی ضرورت ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, گرافک ڈیزائننگ وغیرہ. آؤ ہمارے ساتھ, صرف یہ نہیں کہ ہمارے کورس کرو, آؤ ہماری مدد کرو. اس لیے کہ ہم اس چیز کو, اس پلیٹفارم کو ہیوجلی انکریز کرنا چاہتے ہیں, اور اس ویب ٹی وی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے. انفیکٹ ہم نے ایک چھوٹا سا پروموشن بنایا ہے, آج لے کے بھی آئے, چلائیں گے انشاءاللہ, بالکل چلائیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. تھینکس ا لاٹ, اٹ واز ا پلیژر ہیونگ یو. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی بیگم کے ساتھ دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے جلد انشاءاللہ. تھینک یو فار گیونگ می دس پلیٹفارم. بڑا مزہ آتا ہے اس لیے کہ یہ وائڈر آڈینس ہے نا. ویسے تو بچوں کے ساتھ آدمی ایک دو کلاس میں جا کے بات کر لیتا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. یہ تھا ہمارا آج کا شو, آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے بحریہ یونیورسٹی کے پیج کے اوپر, اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن وتھ بحریہ. خدا حافظ.